नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका भटनागर। वक्त है मध्य प्रदेश की खबरों का। खबर चित्रकूट से है जहां राज्यपाल मंगू भाई पटेल पहुंचे दोपहर 1:20 पर आरोग्य धाम हेलीपैड पर। राज्यपाल का हेलीकॉप्टर उतरा मध्य प्रदेश के पंचायत ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल, सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा, पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता, ग्रामोदय कुलपति प्रोफेसर भरत मिश्रा, दीनदयाल शोध संस्थान के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अभय महाजन के अलावा वहाँ मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने राज्यपाल की अगुवाई की। शुक्रवार को ग्रामोदय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल मंगूभाई शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश के दमोह की विधानसभा पथरिया से बहुजन समाज पार्टी की विधायक रामबाई सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ये वीडियो शादी समारोह का बताया जा रहा है और वो खुद शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं देती हुई नजर आ रही है। शादी की सालगिरह पर डांस का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलते हुए कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। चंदला स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी ऑपरेशन का शिविर लगाया गया था जिसमें आसपास के कई गांव की महिलाएं पहुंची थी। महिलाओं की नसबंदी का ऑपरेशन डॉक्टर मनोज चौधरी कर रहे थे। ऑपरेशन के बाद बड़ी संख्या में महिलाओं को जमीन पर लिटाया गया, वहीं कई महिलाओं को टाके लगाए गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। इस मामले में जब ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सत्य प्रकाश शाखवार से बात की गई तो उन्होंने अजीबोगरीब जवाब दिया। उनका कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र में 8 से 10 पलंग ही हैं, जबकि 40 से 50 महिलाओं की नसबंदी की गई। ऐसे में सभी को पलंग मिल सके यह संभव नहीं था। सिमरोला घाट पर दो बसें टकराई। सिमरोला इलाके के बाईग्राम पर दो बसें आमने सामने टकरा गई जिसमें करीब 25 लोग घायल हुए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस, सभी को एम्बुलेंस में अस्पताल भेजा जा रहा है। घटना में 8 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। कुछ घायलों को इंदौर भेजे जाने की सूचना है। बस हादसे में घायल 28 मरीज अब तक MY अस्पताल पहुंच चुके हैं। घायलों की संख्या बढ़ता देख डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की संख्या भी बढ़ा दी गई है। कुछ मरीज की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। लगभग 27-28 मरीज अभी आ चुके हैं। सबके इलाज की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। सारा स्टाफ लगा दिया है, हमारे डॉक्टर की संख्या भी बढ़ा दी है, हमारे नर्सिंग स्टाफ की संख्या बढ़ाई है, हमारे UDS स्टाफ है, सब सभी लोग लगे हुए हैं। अभी हम लोग उनका देख रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं कि उनमें से कितने गंभीर हैं, उसकी हालत गंभीर दिख रही है। तो अभी हम सबका भी इलाज प्रारंभ हो चुका है और हम देखते हैं अभी कितना क्या है, कितनी गंभीरता है मरीज। पन्ना में आगामी 16 दिसंबर को 25वीं यूथ ओपन महिला एवं पुरुष राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रचार प्रसार की होड़ में गांधी चौक पर स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्टैचू को ही फ्लैग से ढक दिया गया। इतना ही नहीं, अम्बेडकर चौक पर स्थित भीमराव अम्बेडकर के स्टैचू को भी ढक दिया गया, जिसके कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जितेंद्र जाटव ने विरोध किया और कहा कि नेताओं ने खेल को राजनीति का अड्डा बना दिया है। प्रचार प्रसार की होड़ में भाजपाइयों ने महात्मा गांधी बाबा साहब की प्रतिमा ढकी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, महापुरुषों का अपमान है। रतलाम में जिला कलेक्टर अचानक पहुंचे। सलाना तहसील के डेढ़वा गांव में स्वास्थ्य विभाग, पंचायत, शिक्षा विभाग के स्कूलों को निरीक्षण किया गया। जनजातीय ब्लॉक सलाना के ग्राम बेदड़ा में कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने स्कूलों में बच्चों से सवाल किए। बच्चों ने सवालों के जवाब भी दिए। कलेक्टर ने बच्चों को चॉकलेट बांटी। वहीं ग्रामीणों ने जब वोल्टेज की समस्या बताई तो कलेक्टर ने अधीक्षण मंत्री को समस्या के समाधान के निर्देश दिए। जमुड़िया तालाब की शिकायत मिलने पर तत्काल शासकीय अमले के साथ कलेक्टर सूर्यवंशी ने मोटरसाइकिल पर बैठकर ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे, परीक्षण किया। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को तत्काल निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। नरसिंहपुर जिले का भगवान ब्रह्मा की तपोभूमि स्थल मां नर्मदा के बरमान घाट पर देश भर में प्रसिद्ध बरमान के मकर संक्रांति मेला की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला प्रशासन ने बरमान सर्किट हाउस में बैठक की, जिसमें मेला को कोविड काल के पूर्व की तरह मेले को भव्य बनाने को ऑर्डर दिया गया। बैठक में तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा, कलेक्टर रिजु बाफना, पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि, व्यापारी मौजूद रहे। जनपद चावरपाठा के CEO संजीव गोस्वामी ने कहा कि मेला में सभी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाएगा। बरमान मेला 12 जनवरी से शुरू होता है जो नर्मदा जयंती तक चलता है। हरेनगर के वार्ड नंबर 14 के कई नागरिकों ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनोज प्रजापति को ज्ञापन सौंपकर आवासीय पट्टा देने की मांग की है। नगरवासियों ने SDM से कहा कि पूरे प्रदेश में आबादी भूमि पर काबिज लोगों को भूमि स्वामी अधिकार पत्र दिया जा रहा है। लोगों ने कहा 14 वार्डों को पट्टा नहीं दिया जा रहा है, जिसका वो मकान टैक्स, बिजली और सभी शुल्क राजस्व विभाग को कई सालों से दे रहे हैं, लेकिन उनके पास अपने मकान का पट्टा तक नहीं है जो क्षेत्र आबादी भूमि में घोषित है, जिसमें वार्ड नंबर 14 के निवासी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कारण टूटी फूटी छत के नीचे रहने पर मजबूर हैं।
बरगी विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा के मुद्दे पर सड़कों पर उतरे हजारों ग्रामीण और कांग्रेसी उतरे पूर्व निर्धारित घोषणा के मुताबिक। कांग्रेस के बैनर तले ग्रामीणों ने विशाल विरोध रैली निकाली। बरी क्षेत्र के कांग्रेस विधायक संजय यादव के नेतृत्व में सेंटर से निकला विशाल जुलूस घंटाघर के पास बेकाबू हो गया। पुलिस की बैरिकेटिंग तोड़कर प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर तक पहुंचने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेसी और पुलिस के बीच झड़प हुई। वहीं विधायक संजय यादव ने बरगी क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जेबीटी लाइव। नमस्कार।